उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। चौथे और अंतिम चरण में राज्य के 17 जिलों में वोट डाले गए, जिनमें मथुरा भी शामिल है। जहां के बरसाना इलाके के नाहरा गांव में फर्जी मतदान की सूचना पर जमकर बवाल हुआ, वहां पर प्रधान पद के दो उम्मीदवारों के समर्थक इस कदर एक दूसरे से उलझे कि पोलिंग बूथ पर जंग जैसे हालात बन गए। एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे दोनों गुटों के लोग लाठियों से झगड़ते नजर आए। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। बताया गया कि इस मारपीट में फायरिंग भी हुई। काफी देर तक चले इस बवाल में दोनों तरफ के करीब 10 लोग घायल हो गए। किसी का सिर फूटा तो किसी के पैर में चोट लगी। इन सभी को फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस हिंसा के आरोप में दोनों पक्षों के करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल साथ के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। वोटिंग के दौरान हिंसा की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें गाजीपुर जिले से भी सामने आई। वहां के सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव में प्रधान पद के दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। लाठियों से लैस दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर इस कदर टूट पड़े कि वहां मौजूद पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। क्या बूढ़े और क्या जवान, सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नजर आए। इस बीच वहां पर वोटिंग के लिए पहुंची एक महिला पुलिस वाले से लड़ाई को शांत करवाने की अपील करती दिखी, मगर पुलिस वाले ने उल्टा महिला को ही वहां से जाने का इशारा कर दिया। इस मारपीट का वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। कोरोना के कहर से जूझ रहे भारत के लिए विदेशों से मदद की खेप लगातार भेजी जा रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने भारत के लिए सेना के विमान से मेडिकल सामग्री रवाना कर दी है, जिसमें 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9.5 लाख से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट और 1 लाख N95 मास्क शामिल। इसके अलावा ब्रिटेन से ऑक्सीजन की 3 जनरेशन यूनिट भेजी जा रही है। हर यूनिट से 1 मिनट में 500 लीटर उत्पादन होगा, जबकि रूस से 2 विमान राहत का सामान लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली 20 यूनिट, 75 वेंटिलेटर और 22 मेट्रिक टन दवा। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा के जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा के आवास के बाहर खूब हंगामा किया। बताया गया कि इन किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जींद दौरे की सूचना मिली, जिसका विरोध करने के लिए ये लोग बीजेपी विधायक के आवास पर पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर पहले से ही भारी पुलिस की तैनाती थी, जिसकी वजह से जब किसान आगे नहीं बढ़ पाए तो उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। वहां पर लगी बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस वाले किसानों को आगे बढ़ने से रोकते दिखे, जिसका किसानों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया, मगर उनको आगे बढ़ने में कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान ये लोग हाथों में काले झंडे लिए नजर आए, जबकि इस हंगामे में कुछ महिलाएं भी विरोध करती दिखी। बीच बीच में पुलिस वाले किसानों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसका कोई असर नहीं हुआ और वहां पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कोरोना के हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि जिन मरीजों को HIV या कैंसर है या उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी। जबकि ऐसे मरीज जो 60 साल से ऊपर के हैं और पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन पर भी यही नियम लागू होगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क पहनना और 8 घंटे पर इसको बदलना जरूरी किया गया है। ये नहीं जिस वक्त उनकी देखभाल करने वाले कमरे में आएंगे उस दौरान दोनों को N95 मास्क पहनना होगा। साथ ही रोजाना हर 4 घंटे पर बुखार मापना, 2 बार गर्म पानी से गरारे करना और भाप लेने की सलाह दी गई है। लेकिन इस दौरान अगर सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे जाने पर डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए भी कहा गया। कोरोना के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाया। मरीजों की जान बचाने के लिए कहीं ऑक्सीजन के लंगर लगाए गए तो कहीं घूम घूम कर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे गए। और इसी के तहत ग्रेटर कैलाश इलाके के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में ऑक्सीजन रिफिलिंग का लंगर शुरू किया गया। बताया गया कि यहाँ 5 से 7 किलो तक ऑक्सीजन फ्री में भरवाई जा सकती है। इस अनोखे लंगर की जानकारी मिलते ही यहाँ राहत की उम्मीद लेकर पहुँचने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस वक्त हम मौजूद है ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, जहाँ पर ऑक्सीजन रिफिल की सेवा दी जा रही है। ऑक्सीजन लंगर के साथ ही यहाँ जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए खाने के पैकेट भी बनाए गए। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर मरीजों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की मुहिम चलाई। खबर है कि पुलिस की मदद से ये लोग रोजाना सैकड़ों सिलेंडर बांटने में जुटे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना के कामों की प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस मामले में खुद सेना प्रमुख MM नरवणे ने
उनसे मुलाकात की और ये जानकारी दी कि राज्यों की मदद के लिए सेना का मेडिकल स्टाफ तैयार है, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अस्पताल बनाए हैं, जो जरूरत पड़ने पर आम लोगों को इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं, और लोग चाहें तो अपने आसपास सेना के बनाए इन अस्पतालों से संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेना प्रमुख ने ऑक्सीजन टैंकरों के आयात में सेना की मदद का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री को दिया। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मारामारी तक शुरू हो गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए डीआरडीओ ने 900 बेड का एक अस्पताल शुरू किया, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में बेड पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। मरीज को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक आदमी ने अपना ऑटो रिक्शा बैरिकेड के ऊपर चढ़ा दिया। बताया गया कि वहां बिना रजिस्ट्रेशन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा, ऐसे में लोग अंदर न आ सकें इसके लिए अस्पताल के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन अपनों को मरता देख लोगों का गुस्सा भड़क गया, वो किसी तरह अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की भी हुई। 900 बेड वाले इस अस्पताल में अब मरीजों को टोकन के जरिए ही भर्ती किया जा रहा है, लेकिन टोकन लेने और मरीज की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए ही वहां लंबी लाइन देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोगों को उनके नंबर की जानकारी देने के लिए अस्पताल के बाहर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भी लगाई गई, लेकिन भीड़ के आगे ये इंतजाम भी नाकाफी नजर आए। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों से बरामद दवाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि जब्त रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाए, और पुलिस जब इन चीजों को बरामद करे तो इनके सही और असली होने का पता जरूर कर ले, फिर इसकी जानकारी वो अपने डीसीपी स्तर के अधिकारियों को दे, जो इनको अस्पतालों के लिए जारी करेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मरीजों के घर वालों ने अगर ये दवा या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी है तो वो जब्त ना करें, क्योंकि उन्होंने जरूरत की वजह से लिया हो। अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि दिल्ली पुलिस ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 200 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ दिनों से वायरल हो रहे एक वीडियो पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सफाई दी। आरोप है कि अपने बीमार बच्चे के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करने पर एक महिला को सीएमओ ने जेल भिजवाने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो कुछ दिन से वायरल है, जिसमें एक महिला सीएमओ के सामने हाथ जोड़कर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाती हुई दिखाई दी। उसने उनके पांव भी पकड़े। इसके बाद सीएमओ महिला से पर्चे लेकर अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के इंतजार में खड़ी रही, लेकिन कुछ देर बाद ही उस महिला की एक रिश्तेदार का गुस्सा सीएमओ पर फूट पड़ा। जेल में क्यों डलवा देंगे, इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इस वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सीएमओ खुद इस पर सफाई देने सामने आए। ऐसी बात कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं और नितांत मैं इसका खंडन करता हूँ। वहीं दावा किया गया कि रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से महिला के बेटे की एक दिन पहले मौत हो गई। अपने जवानों को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने नया आदेश जारी किया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सिपाही से लेकर एएसआई को अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और इसी कैटेगरी के कर्मचारियों में जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी लेकिन उनको कोई गंभीर बीमारी होगी तो उनको भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा थाने से 1 घंटे की दूरी पर रहने वाले पुलिसकर्मियों को काम करने वाली जगह के पास ही आवास मुहैया कराने के लिए कहा गया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की होगी। पटना के एक निजी अस्पताल में एक मरीज के घर वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे से पहले अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के घर वालों को बहुत देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और कुछ ही देर में वहां गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। मरीज के घर वाले अस्पताल के कर्मचारियों से उलझ गए। उनके गुस्से को देखते हुए अस्पताल के कर्मचारी वहां से पीछे हट गए। इसके बाद भीड़ में शामिल एक शख्स ने वहां रखी एक ईंट से हमला करने की कोशिश की। मनमाने पैसे वसूलने के आरोपों पर अस्पताल के अंदर बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। यहां पर लाकर एडमिट करवाएं, हमसे मनमाना पैसा वसूल रहे थे लोग। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस तरह के आरोपों को सिरे से नकार दिया। रिसेप्शन के स्टाफ ने बोला कि आप कुछ बिल जमा कराइए, तो बिल के बाद पर वो लोग भड़क गए। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुंबई के कई वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इस महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया। वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई में पिछले 2 दिन से ये मुहिम रोक दी गई थी।
लेकिन टीका अभियान के दोबारा शुरू होते ही सभी सेंटरों पर लोगों का जमावड़ा लग गया। गोरेगांव नेस्को सेंटर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें साफ दिखा कि वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया। कड़ी धूप के बावजूद लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई और न ही प्रशासन की तरफ से ही इसके इंतजाम किए गए। 45 प्लस के उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि इस लाइन में 500 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर भी पहुँची। उन्होंने लोगों से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन सेंटरों पर पहुँचने की अपील की। जिसके ऐप पे मैसेज नहीं है उनको अंदर भी नहीं लेंगे। वहीं बीकेसी कोविड सेंटर पर भी टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। वहां भी कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे वैक्सीन सेंटरों से भी सामने आईं। 1 मई से शुरू होने वाले टीका अभियान के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन कई जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टाइम स्लॉट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगवाने की मंजूरी दे दी, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उन्हें टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा। यानी वो कोविन ऐप या वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं, लेकिन उन्हें किस सेंटर में और किस वक्त वैक्सीन लगेगी इसकी जानकारी ही नहीं मिल रही। कल से भी ट्राई किया, सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे उठा तब भी ट्राई किया, कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। टीका लगाने के इस तीसरे चरण के लिए लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद ही वो अपना मनपसंद सेंटर और तारीख चुन सकते हैं। वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक टीकाकरण केंद्र मिलता है जिसे आपको चुनाव करना पड़ता है, और उसके अलावा टाइम स्लॉट भी मिलता है, उसी टाइम पर आपको वहां जाना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पीछे वैक्सीन की कमी की दलील दी। दावा किया गया कि सरकार की तैयारियां तो पूरी हैं, बस वैक्सीन आने का इंतजार है। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। हालांकि केंद्र ने देश में वैक्सीन की कमी होने के आरोपों को खारिज कर दिया। मुंबई में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने मदद का हाथ बढ़ाया। बताया गया कि वो उन्हीं शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जिन्हें कोरोना से मौत के बाद उनके घर वाले लेने नहीं आते। ऐसे में ज्ञानदेव वारे नाम के ये कांस्टेबल ही सहारा बनते हैं। उनकी इस मदद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से एक शव को उतारकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते दिखे। बताया गया कि इन लावारिस शवों को मुखाग्नि भी वो खुद ही देते हैं। यही नहीं, वो इस काम में सभी धर्मों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मुस्लिम धर्म से दफन करता हूं, हिंदू रहता अपने विद्युत ध्यान में उसका अंतिम संस्कार करता हूं। खबर है कि कोरोना से मरने वाले करीब 500 लावारिस लोगों का वो अब तक इसी तरह अंतिम संस्कार कर चुके हैं।